हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का कॉप प्रिवेसी यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट नई भर्ती के बारे में जो कि अभी आई हुई है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स यानी कि फॉर्म कब से भरने चालू होंगे। तो फॉर्म जो है आपके 15/2/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 15/2/2024 से। अब लास्ट डेट कब रहेगी फॉर्म भरने की, 28/2/2024 के 5:30 तक जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जिन अभ्यर्थी को भी फॉर्म भरना है और इस भर्ती के लिए जो फॉर्म भरना चाहते हैं, तो कृपया कर समय से पहले यानी कि लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए समय से पहले फॉर्म भर दे, जिससे कि आपका फॉर्म आसानी से भर जाए। बाद में सर्वर प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इन सारे में आपका बहुत सारा समय खर्च हो सकता है, इसलिए प्लीज समय से पहले ही फॉर्म को भर दें, ठीक है। तो मैं फर्स्ट स्टेज एग्जाम के लिए जो है 1 अप्रैल 2024 की डेट बताई गई है, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से पहले आ जाएंगे। स्टेज टू यानी कि सेकंड पेपर होगा वो मई 2024 में हो सकता है, ठीक है। साथ ही बात करते हैं हम कि फीस के बारे में बात करेंगे, ठीक। एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 300 रुपये फीस लगेगी, ठीक। एससी एसटी इन कैंडिडेट के लिए जो है किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। आप पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इन सारे मोड में कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या है। कोस्ट गार्ड CGCAT नोटिफिकेशन 2024 एज लिमिट। अब बात करेंगे हम एज कितने से कितने के बीच में रहने वाली है। तो अधिक मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम उम्र आपकी 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। एज जो है 1/7/2024 तक काउंट होगी, यानी यहाँ तक आपकी जो है एज 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एज रिलैक्सेशन जो है एज पर कोस्ट गार्ड जो है कि आगे उसके बारे में हम बात करेंगे, या फिर हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे जिसके माध्यम से आप सारी डिटेल और देख पाएंगे। देखेंगे कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं। जनरल ड्यूटी जीडी मेल, टेक्निकल मैकेनिकल मेल और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ये सारी वैकेंसी हमारी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स ऑल सेमेस्टर, ठीक है। मैथ्स फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट इन 10+2 यानी 12th लेवल एग्जामिनेशन में आपके पास में मैथ और फिजिक्स मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री विथ 60% आपके जो है बैचलर डिग्री में होना चाहिए। साथ ही एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपको जो है 55% जो है होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं हम जीडी में बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। यहाँ टेक्निकल और मैकेनिकल इसमें चाहिए BE BTech, इंजीनियरिंग की डिग्री, नेवल आर्किटेक्ट और मैकेनिकल और मैरिन और ऑटोमोटिव, ये सारी आपको डिग्रियाँ होनी चाहिए। साथ ही इसमें भी आपको कितना 60% मिनिमम होना चाहिए। मैथ और फिजिक्स जो है आपके 10+2 में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। साथ ही एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो है वो 55% यहाँ पे रहने वाली है परसेंटेज, ठीक है, मिनिमम परसेंट। वहीं टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इनके लिए भी इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री जो है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से होने पर इसमें भी आपकी मिनिमम परसेंट 60 होना चाहिए। 12th में जो है मैथ और फिजिक्स ये मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, बाकी और जानकारी हम देखते हैं। साथ ही देखेंगे कि जो अभी कंटिन्यू या रनिंग में है जिनके कोर्स, तो यहाँ लिखा है ईयरली कोर्स, अगर आप ईयरली एग्जाम देते हैं तो आप अगर सेकेंड ईयर की मार्कशीट विथ डेट ऑफ इशू ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन, अगर आपके पास में सेकेंड ईयर की मार्कशीट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले की है, इफ कोर्स इज 3 ईयर 3 साल का है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। साथ ही सेमेस्टर कोर्स सेमेस्टर वाइज होता है, तो सेमेस्टर वाइज अगर आपका कोर्स है तो आप जो है जैसे कि 6th सेमेस्टर होंगे तो 5th सेमेस्टर की मार्कशीट डेट ऑफ इशू ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी कि आपके पास में 5th सेम की मार्कशीट जो है वो एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। 7th सेमेस्टर मार्कशीट विद डेट ऑफ इशू और बिफोर द क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारी जानकारी, अगर आप ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या जानकारी दी है हमें। अब इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश जो है वो कितने की 25 नंबर की रहने वाली, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है ये भी 25 नंबर की रहने वाली है, साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ये भी 25 नंबर का रहने वाला है, और जनरल नॉलेज ये भी 25 नंबर का रहने वाला है। टोटल आपके इसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का रहेगा। एक प्रश्न 4 नंबर सही होने पर 4 नंबर मिलेंगे और एक प्रश्न गलत होने पर आपका 1 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर सीधा सीधा काट लिया जाएगा, सही होने पर 4 नंबर आपको प्राप्त होंगे। ठीक, स्टेज 2 की बात करते हैं। पहले स्टेज 1 होगा, फिर स्टेज 2 होगा। तो स्टेज 2 में आपका यहाँ पे क्या होगा, तो पिक्चर, परसेप्शंस और डिस्कशन टेस्ट। ठीक है, तो पीपी एंड डीडी ये टेस्ट आपका यहाँ पे सेकंड वाले में होने वाला है। इसके लिए आपको ये नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई ये वाले सारे सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट स्टेज जो है इसमें कितने टोटल 5 स्टेज होने वाले हैं, उसके बाद आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी कि आप अगर 5ों स्टेज को पार कर लेते हैं तो आप इस नौकरी को प्राप्त कर लेंगे। पहले स्टेज की डेट जो है वो अप्रैल 2024 में रखी गई है। ठीक, ये इसमें बदलाव हो भी सकते हैं, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। तो दूसरे स्टेज की मई 2024, तीसरे की जून अगस्त 2024, और यहाँ से जून नवंबर 2024 में फोर्थ स्टेज, और एंड यानी कि फिफ्थ स्टेज जो है दिसंबर में आपका होने वाला है। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ पे फिजिकल के बारे में, आपकी हाइट, वेट ये सारा क्या होना चाहिए। तो आपके लिए जो है 157 सेंटीमीटर जो है हाइट आपकी मिनिमम होना चाहिए। ठीक, रिडक्शन इन मिनिमम हाइट ऑफ फॉर द कैंडिडेट फॉर हिल एरिया, ट्राइब एरिया को जो है वो कुछ यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, जिससे कि एज इनको जो है हाइट में जो है कुछ छूट दी जाएगी। ठीक, साथ ही बात करेंगे वेट, जो कि हाइट और एज, उम्र और ऊंचाई के हिसाब से जो है ±10% एक्सेप्टेबल, यानी कि 10% आगे पीछे होता है तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। वहीं मिनिमम एक्सपेंसिव चेस्ट जो है आपका 80 है, तो 80 से 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो है वो फूलना चाहिए। ठीक, हेयरिंग नॉर्मल रहेगा, आई साइड जो है वो 6x6 होना चाहिए, अनकरेक्टेड विदाउट ग्लास 6x9, करेक्टेड विदाउट करेक्टेड विथ ग्लास जो है 6x6 होना चाहिए। साथ ही जो है असिस्टेंट कमांडेंट ये जीडी के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल के लिए 6x36, 6x6 ये जो है अनकरेक्टेड विदाउट ग्लास और करेक्टेड विदाउट ग्लास। ठीक है, यहाँ टैटू का दिया है कि अगर आपके बॉडी पार्ट में कहीं टैटू है तो यहाँ पे जो है परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। परमानेंट टैटू जो है आपकी वो बॉडी में कहीं भी नहीं होना चाहिए। हाउ एवर सर्टेन कॉन्सेशन आर परमिटेड टू कैंडिडेट बिलोंग टू ट्राइब एरिया, यानी कि जो व्यक्ति ट्राइब एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए टैटू की परमिशन रहेगी ऑन इनर फेस। ठीक है, और साथ ही जो है कि और किसी को जो है इस प्रकार के टैटू में छूट नहीं मिलने वाली। ठीक है, साथ ही लास्ट बात करेंगे हम इंडियन कोस्ट गार्ड में सैलरी कितनी मिल रही है। मेन चीज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम नौकरी पाने के बाद में कितनी सैलरी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट लेवल यहाँ पे 10, 11, 12, 13 इस प्रकार से यहाँ पे बढ़ना है, तो लेवल 10 में जो है 56,100 आपकी सैलरी रहने वाली है, यहाँ पे बेसिक पे है। ठीक, डिप्टी कमांडेंट में आपकी 67,700, कमांडेंट जेजी में आपकी रहने वाली है 78,800, और यहाँ पे है कमांडेंट यहाँ पे 1,23,100। इस प्रकार से डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल, इस प्रकार से आपकी 2,25,000 अगर आप पे 17 रुपए आते हैं तो इतनी सैलरी आपकी होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।